YouTube पे सबसे जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसके हैं? फेमस कंपनीज के ये पहले के लोगोस देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है। ये बस एक कैप्चा सॉल्व करके आप एक करोड़पति बन सकते थे। और ये कौन सी बीमारी है जो बस आपको पता भी चल गई तो आप अपनी फेवरेट चीजें करना हमेशा के लिए बंद कर दोगे। बस वीडियो को एंड तक देखना वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, क्या कभी आपने सोचा है पेप्सी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो इसका नाम पेप्सी क्यों है? पेप्सी का मतलब ही क्या होता है? अगर आपको लगता है ये बस एक रैंडम नाम है तो ऐसा नहीं है, इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है जो इसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब पेप्सी लॉन्च हुई थी तब ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं थी बल्कि एक डाइजेस्टिव मेडिसिन थी, यानी कि जिनको खाना पचाने में तकलीफ होती है उनके लिए ये होता था। और इसीलिए इसका नाम पेप्सी रखा गया क्योंकि पेप्सी का मतलब होता है डाइजेशन और वही डिसपेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, यानी खाना पचाने में प्रॉब्लम होना। नंबर 14, अगर आप कंप्यूटर यूज करते थे तो आपको हार्ड डिस्क जरूर पता होगी, पर आपने सोचा है कि ये काम कैसे करती है? एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में जो आपको डिस्क दिख रही है ये एक हार्ड डिस्क है, वो भी बस 40 MB की, पर जब इसे रन किया जाता है तो आप देख सकते हो ये कितने ज्यादा प्रेशर के साथ रन होती है। और यही वजह है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का यूज करते हुए काफी ज्यादा हीट हो जाता है और इसलिए उनको एक पूरा कूलिंग सिस्टम चाहिए। और तो और पीसी जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा कूलिंग सिस्टम लगाना भी बहुत जरूरी है। नंबर 13, बस एक कैप्चा सॉल्व करके आप करोड़पति बन सकते थे। आपने हमेशा सुना होगा कि 2011 में अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो आज आप बहुत पैसे कमा लेते। लेकिन एक वेबसाइट थी बिटकॉइन फॉसेट करके जो सबको फ्री में बिटकॉइन देती थी बस कैप्चा फिल करने के लिए, और आप ये पूरे दिन कर सकते थे, यानी कि जितने बिटकॉइन चाहे आप उतने बिटकॉइन ले सकते थे उस टाइम पर। और कई लोगों ने बस गेम की तरह इसे यूज भी किया था खेलने के लिए, पर उन सब ने अपने वॉलेट एड्रेस को खो दिया या फिर बिटकॉइंस की को सेव नहीं किया क्योंकि उन्हें बस ये टाइम पास वेबसाइट लगी थी। पर अगर एक्चुअली में किसी ने सीरियस लिया होता या फिर लिया है तो वो आज बहुत पैसे कमा चुका है बस कैप्चा भर के। नंबर 12, यार आपने देखा होगा कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें 2 ब्लेड्स लगे होते हैं, उसके बाद भी वो ब्लेड आपस में कभी टकराते ही नहीं, और इसका रीजन ये है कि वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं और उनके नीचे जो गियर लगा होता है वो कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये थोड़े से ऊपर की तरफ टिल्टेड है जिस वजह से दोनों विंग्स आपस में नहीं टकराते और एक दूसरे के ऊपर से निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये साइमल्टेनियसली एक ही गियर की वजह से घूमते हैं, और इसलिए अगर एक बंद हो जाता है तो दूसरा भी बंद हो जाएगा पर ये कभी टकराएंगे नहीं। नंबर 11, क्या आप किसी भी चीज में बिलीव नहीं रखते हो? अगर एक्चुअली में ऐसा है तो हो सकता है आप एक निहिलिस्ट हो। एक निहिलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज में बिलीव नहीं रखता, यानी कि उन्हें लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है। निहिलिज्म में ऐसा माना जाता है कि इस पूरी दुनिया का कोई भी मीनिंग नहीं है, यानी कि इस दुनिया में आप जितना भी मतलब ढूंढने जाओगे आपको कोई मतलब ही नहीं मिलेगा और इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी के साथ हमने जो किया हुआ है उन सब का भी कोई मतलब ही नहीं है। और इस वजह से ये लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रखते चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। नंबर 10, ये काफी कमाल का है। आजकल जो आप इलेक्ट्रिक मोटर्स देखते हो वो फैक्ट्री में कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। पहले ये जो कॉपर वायर है ये हाथ से बांधा जाता है पूरे मोटर के ऊपर, जिसमें काफी टाइम लगता है और काफी प्रिसाइजली ये करना पड़ता है, पर अब मशीन और बेटर इक्विपमेंट की वजह से ये काम चुटकियों में हो जाता है। आप देख सकते हो कैसे मशीन का एक पार्ट मोटर को घुमाता है और दूसरा पार्ट इस वायर पर बांध देता है और ये पूरे मोटर का काम बस कुछ ही मिनट्स में हो जाता है, और ये पूरा ऑटोमेटिक है, इसमें मैनुअली बस ऑन ऑफ करने का काम है। नंबर 9, यार एक स्टीरियोटाइप की वजह से दूसरे स्टेट के लोगों को लगता है कि राजस्थान में बिल्कुल पानी नहीं है और राजस्थान में पानी शायद कुछ ऐसे निकलता होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, राजस्थान में बहुत गर्मी है और उसके डेजर्ट रीजन में पानी नहीं मिलता, उसका रीजन ये है कि वो काफी डिसकनेक्टेड है, पर इसे छोड़कर बाकी राजस्थान में पानी आता है। यहाँ तक कि उदयपुर को तो सिटी ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, और बारिश के सीजन में राजस्थान काफी हरा भरा दिखता है बस डेजर्ट एरियाज को छोड़कर। नंबर 8, आपने सीटी स्कैन, एक्सरे स्कैन या MRI स्कैन, ये तीनों चीजें सुनी होंगी और आप में से कई लोगों ने इसे करवाया भी होगा, पर क्या आपको इनमें डिफरेंस पता है? सबसे पहले अगर इमेज की डिफरेंस की बात करें तो ये देखो, ये तीनों कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, एक दूसरे से काफी डिफरेंट। और अब बात करें इनके एक्चुअल डिफरेंस की, तो एक्सरे जो है वो 2D होता है और वही जो सीटी स्कैन होता है उसमें मल्टीपल एक्सरे को लिया जाता है और फिर उसे एक 3D इमेज में क्रिएट किया जाता है, जो कि नॉर्मल एक्सरे से काफी ज्यादा बेटर है और ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट भी।
भी होता है, यहाँ तक कि इसमें आप ओवरलैपिंग मसल्स भी देख सकते हो। अब बात करें MRI की, तो इसमें ये हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज नहीं करते एक्सरे और CT स्कैन की तरह, बल्कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। और कुछ जगह पर MRI स्कैन CT स्कैन से भी बेहतर होता है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। नंबर 7, क्या आप खुश होने से डरते हो? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर एक्चुअली में एक फोबिया है जिसे केरोफोबिया कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा खुश होने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा खुश होंगे तो जल्द ही उनके साथ बुराई होगा। यानी कि उन्हें लगता है कि ये दुनिया ऐसे ही काम करती है कि अगर आप ज्यादा खुश रहे होंगे तो फिर आपके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, और इसीलिए ये लोग अक्सर बहुत ज्यादा खुश होने से डरते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि लोगों को ये कहते हुए कि ज्यादा हंसे तो फिर रोना भी पड़ेगा। नंबर 6, कार का एरोडायनामिक होना बहुत जरूरी है। अगर कार एरोडायनामिक होती है तो फिर वो ज्यादा स्पीड में चलेगी और स्मूथ भी, और उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओवरऑल पेट्रोल भी बचेगा। यानी कि एरोडायनामिक कार काफी ज्यादा इकोनॉमिक होती है, और इसीलिए कार के एरोडायनामिक्स चेक करने के लिए कुछ इस तरीके का पंप यूज किया जाता है जिसमें से स्मोक निकलता है, और आप इस सैंपल में देख सकते हो कि एक कार कितनी ज्यादा एरोडायनामिक है। नंबर 5, आपने मैप में देखा होगा कि USA और रशिया एक दूसरे से कितने ज्यादा दूर है, पर एक्चुअली में हमारा वर्ल्ड ग्लोब है, तो इसलिए ये एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि काफी ज्यादा पास है। जैसे कि ये देखो, इस फोटो में पहले हम मैप्स में दिखाते हैं कि रशिया और USA की बॉर्डर कितनी ज्यादा पास है, और इसके बाद अगर आप इन रियल लाइफ देखोगे तो ये दो आइलैंड वही हैं जो कि मैप्स में दिख रहे हैं। आप सोच सकते हो कि एक्चुअली में USA और रशिया एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका टाइम जोन पूरा अलग ही है। इस साइड मंडे है तो इस साइड संडे है, वो भी पूरा एक दिन का फर्क है। इसे देख के लगता है हमारा टाइम जोन वाला सिस्टम कितना गड़बड़ है। नंबर 4, आपने इतनी ज्यादा कूल मछली कभी नहीं देखी होगी। इसे देखिए, ये मछली पूरी एकदम जेट ब्लैक कलर की लगती है, और इनकी आंखें ब्लू है जो कि इन्हें बहुत यूनिक बनाते हैं। इसे देखकर हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन वाले ड्रैगन की याद आ जाती है, ये बिल्कुल वैसे ही दिखती है। इनका नाम फ्लैश लाइट फिश है, और इनकी आंखें एक्चुअली में ब्लू नहीं होती बल्कि इनकी आंखों के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि लाइट को एमिट करता है, और वो लाइट यूजुअली ब्लू या फिर व्हाइट जैसा होता है, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ अक्सर अंधेरा है, तो इस ऑर्गन की मदद से ये शिकार को ढूंढते हैं। यानी कि लिटरली ये एक फ्लैश लाइट लेके घूमते हैं। नंबर 3, सुपर कार को एक बार लेना भी उतना मुश्किल नहीं है, और उसे मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है, और ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर आप बुगाटी शिरोन की बात करें तो उसका जो एक ऑयल चेंज होगा तो उसमें आप 3-4 मारुति स्विफ्ट ले सकते हो, क्योंकि इसके खाली ऑयल चेंज करने में 18-20 लाख रुपए का खर्चा आता है, और ये आपको 4000 किलोमीटर में करना पड़ता है। और अगर आप अपनी बुगाटी को इतना चलाते हो तो पेट्रोल का खर्च कितना आएगा वो भी अलग बात है, और बाकी कई सारी चीजें मेंटेन करने में ऐसे स्पोर्ट्स कार्स का खर्चा करोड़ों में जाता है, और एक पॉइंट पर तो स्पोर्ट्स कार से ज्यादा महंगा इसका मेंटेनेंस हो जाता है। नंबर 2, आप जो फेमस कंपनीज के लोगो आज देखते हो, यही कंपनीज के पहले के लोगो देखकर आपको सच में शॉक लगेगा। शुरू करते हैं कैमरा कंपनी कैनन से। इसका लोगो अब तो काफी पॉपुलर और सिंपल है, बस कैनन लिखा हुआ है, बट पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कितना ज्यादा कूल है, पर ये है क्या? दरअसल ये जापानीज गॉड ऑफ मर्सी है जिनका नाम संजीव कानून है। बात करते हैं ट्विटर के लोगो की। पहले इसका लोगो ऐसा ग्रीन कलर का था, बिल्कुल किसी कार्टून चैनल का टीवी का लोगो लग रहा है। थैंक गॉड इन्होंने इसे चेंज कर दिया, और इन्होंने एक बर्ड यहाँ पे लगा दिया जो कि बहुत आइकॉनिक था, पर इलोन मस्क को शायद ये हजम नहीं हुआ तो उन्होंने इसे चेंज करके एक एक्स कर दिया रैंडमली। इसके बाद स्नैपचैट के लोगो को देखो, ये आज के लोगो से काफी सिमिलर था, पर इसकी आंखें, फेस और एक छोटी सी टंग थी जिसे फिर से निकाल कर थोड़ा प्रोफेशनल और सिंपल दिखाने के लिए बस घोस्ट के सिलहाउट को रहने दिया। बात करते हैं लेस की। इसका पहले वाला लोगो भी अच्छा था और काफी यूनिक भी था, बट ये अपने प्रोडक्ट से थोड़ा अलग था, इसलिए इसे चेंज करके ये वाला लोगो कर दिया जो कि काफी आइकॉनिक है। लास्टली ये लोगो मुझे सबसे कूल लगा, ये निंटेंडो का लोगो था पहले का, और यार ये अभी के निंटेंडो लोगो से थोड़ा कूल है, एकदम ओरिजिनल जापानीज गेम्स की वाइब देता है। नंबर 1, आप आजकल तो बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसमें मेरा चैनल भी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सबसे फास्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले चैनल्स कौन से थे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर बीस्ट 2 चैनल से, जहां पर मोस्टली मिस्टर बीस्ट के ऐसे वीडियोस अपलोड होते थे जो मेन चैनल पर नहीं हो पाए, और इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बस 1 महीने में हो गए थे। ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट
के ओरिजिनल चैनल की वजह से। फिर आते हैं सलमान खान। हाँ, द सलमान खान, इनके यूट्यूब चैनल को 25 दिन लगे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने के लिए। और हम सब जानते हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि सलमान खान बहुत फेमस है, भले ही वो कुछ कॉन्टेंट ही नहीं बनाते। उसके बाद आते हैं रस भरी के पापा, यानी फ्लाइंग बीस्ट का ही और एक चैनल। इस पे 1 मिलियन बस 4 दिन में हो गए थे। तभी फ्लाइंग बीस्ट का पीक चल रहा था, यानी कि उनके सारे वीडियोस पर बहुत व्यूज आ रहे थे और बहुत सारे इम्प्रेशन जनरेट हो रहा था। और तभी उन्होंने ये चैनल खोला था, इसलिए 4 दिन में इनके 1 मिलियन हो गए। इसके बाद वाला तो और भी क्रेजी है, क्योंकि पीयूष जोशी गेमिंग और हैमस्टर कॉम्बैक दोनों के 1 दिन में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। पीयूष जोशी के क्यों हुए ये तो आप जानते ही होंगे, उनके भाई की वजह से और बाकी यूट्यूबर्स के प्रमोट करने की वजह से। पर हैमस्टर कॉम्बैक का काफी अजीब है। इस चैनल पर आपको रैंडम चीजों के बारे में न्यूज मिल जाएगी, जो कि स्पेशली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगी। दरअसल ये एक टेलीग्राम क्रिप्टो कॉइन गेम है, मैं बस आपको टाइप करना होता है और आपको क्रिप्टो कॉइन मिलता है। और लोगों का कहना है कि फ्यूचर में इसकी कोई वैल्यू होगी और उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, और इसलिए कई लोग इस गेम को खेलते हैं। और अनगिनत यूट्यूबर्स ने इस गेम को प्रमोट किया है और वही से इस चैनल यानी कि इस गेम का नाम पॉपुलर हुआ था। और फिर उन्होंने चैनल खोला था, जिस पर तुरंत सब्सक्राइबर्स बढ़ गए और इनके 1 महीने में 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की वजह से। और लास्टली नंबर 1 पे ऑब्वियसली आते हैं रोनाल्डो। इनके 1 मिलियन दिनों छोड़ो मिनटों में हो गए थे, बस 90 मिनट में। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपने सोशल मीडिया पे फेमस हुए इन लोगों के ये रियलिटी सोची भी नहीं होगी। और ये जो आप इंडिया में लेस, कोको कोला या मैगी खाते हो, इनका प्राइस दूसरे देशों में कितना है, और कैसे डोमिनोज पिज्जा का ये ऐप आपकी जान बचा सकता है। भाई ऐसे ऐसे चीजें इस वीडियो में पता चलेगी ना कि आप सच में बहुत शौक रह जाने वाले हो। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।